नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में। और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसी घटना देखने मिली जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। दरअसल दर दर की ठोकरें खाने वाली प्याज की कीमत उस वक्त समझ चला जब बेमोल बढ़ने लगी। लूटमार ऐसी मची कि आरपीएफ को मोर्चा संभालना पड़ा। कचपुरा माल गोदाम में तो भीड़ इतनी बेकाबू हुई कि दूसरे रैकों पर संकट मंडराने लगा। प्याज को चाहने वालों की कई जगह ऐसी भीड़ लगी कि ट्रैफिक जाम हो गया। परिस्थितियां ऐसी बनी कि भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस बल को मौके पर पहुंचना पड़ा। जानकारी के अनुसार अत्यधिक उपलब्धता के कारण प्याज खरीदने में अब थोक व्यापारी ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। प्रशासन द्वारा राशन दुकानों से प्याज बिकवाने के बाद भी प्याज का थाह भंडार रखा हुआ है। मानसून के मद्देनजर प्याज के ऊपर मंडराते खतरे को देखते हुए जिम्मेदारों ने मुफ्त में प्याज बांटने का निर्णय लिया, जिसके तहत गरीब बस्तियों में फ्री प्याज बंटवाई जा रही है। इसी कड़ी में कई बस्तियों में ट्रकों से प्याज पहुंचाई गई और लोगों को मुफ्त में बांटी गई। बताया जाता है कि मंगलवार को गड्ढा फाटक, ग्रीन सिटी, भोला नगर आदि क्षेत्रों की बस्तियों में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा मुफ्त में प्याज बंटवाई